मुख्तसर सी एक सेइंग थी इमाम की, अलबत्ता है उसमें 10 नुकात, मैं चाहिए रहा हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूँ। और वो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि जो सबसे बड़ा अकल है वो कौन है, अकल रखने वाला कौन है। इमाम ने कहा जिसमें ये 10 उमूर हैं वो सबसे बड़ा अकल है। तो ये अच्छा पैरामीटर है कि आप बाद में जाकर इसको सुन लीजिएगा और उस पॉइंट को लिखिएगा और खुद ही सेल्फ असेसमेंट कर लीजिएगा कि कितने आकिल हैं और कितने नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड है। आकिल की सबसे पहली निशानी ये है कि उससे सिर्फ खैर की तवक्कु। ये इमाम रज़ा ने फरमाया। आप किसी का भी नाम लें, किसी के बारे में सोचें, अगर आपके जहन में पहला परसेप्शन उसके लिए आता है इससे तो खैर ही है, इसका मतलब है कि उसमें आकिल की पहली निशानी मौजूद। अभी किसी और की वजह अपने आप पे चेक कीजिए। अगर कोई मेरे बारे में सोचे, मेरे दोस्त अहबाब घर वाले, क्या वो ये मेरे बारे में पहला तासुर लेते हैं कि इससे सिर्फ खैर ही सादिर हो, वो है आकिल। इमाम रजा के लिए सुना रहा हूँ। और दूसरा बिल्कुल उसका जो लाजमा है, फरमाया इमाम ने कि जब भी उस आकिल के बाद शख्स के बारे में सोचा जाए तो उससे हर एक ये तवक्को रखे और समझे कि इससे मुझ तक शर नहीं पहुंचने वाला। यही अस्सलाम वालेकुम का मतलब है। जब आप किसी से मिलते हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब क्या है? यानी मेरी जानिब से आप पर सलाम, यानी मेरी जानिब से आप तक खैर ही पहुंचेगा, कोई शर नहीं पहुंचेगा। ये खुद अस्सलाम वालेकुम में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम फकत रस्मी कार्रवाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम न बोलने वाले को पता, न सुनने वाले को जवाब देना वाजिब है। वालेकुम अस्सलाम। जब एक शख्स ने कह दिया कि मेरी जानिब से तुम तक खैर ही पहुंच सकता है, शर तो नहीं पहुंच सकता कम से कम, तो फिर वाजिब है कि वो भी सामने जवाब दे कि मेरी जानिब से भी तुम तक शर नहीं पहुंचेगा, खैर ही पहुंचेगा। ये अस्सलाम वालेकुम। बाज मरतबा अल्फाज रह जाते हैं, उसके रूह और मानी खत्म हो जाते हैं। अस्सलाम अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम सलावा। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद। और कीजिएगा, मसलन कोई फकीर आया मांगने के लिए, आपने कहा या माफ करो, ये जो माफ करो है ये लफ्ज रह गया है, इसके पीछे मीनिंग खत्म हो। माफ करो का मतलब ये था कि एक जमाना था कि जब कोई किसी से कोई हाजत मांगता था तो उसके लिए उसकी कोई मदद ना करना बड़ी शर्मिंदगी की बात हो। या अलैहिस्सलाम के उनके असहाब के वाकयात में मिलता है, तो उस वक्त कहते थे कि माफ करो, यानी वो माफी तलब करते थे कि मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता। तो जो माफ करो वो रह गया, उसके पीछे जो रूह है वो खत्म हो। अब क्या करेंगे, अभी फकीर भी कुछ ऐसे प्रोफेशनल हो गए कि वैसे ही इंसान जो है वो वाकई कहता है दिल से कि भाई माफ। तो अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज रह गया, उसकी रूह खत्म हो गई। इमाम ने फरमाया कि अस्सलाम वालेकुम, यानी अस्सलाम वालेकुम तो मैं तशरीह कर रहा हूँ। इमाम ने फरमाया आखिल की पहचान ये है कि पहला, उससे तुम जब भी उसके बारे में सोचो सिर्फ खैर सादिर होगा, शर सादिर नहीं होगा। दूसरा इमाम ने फरमाया अल्लाह, अल्लाहू अकबर। तीसरी जो सिफत इमाम ने बयान करी आखिल की, इंसान आखिल बोलता है कि जब भी किसी और की नेकी को देखता है तो उसे कसीर समझता है, और जब अपनी नेकी देखता है तो कितनी कसीर क्यों ना कलील समझता है। क्योंकि शायद हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसको जो जिन हालात में रखा उसने जो नेकी कर ली यही बहुत बड़ी, और शायद हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुझे जितनी नेमतें अदा की थी उसके मुकाबले मुझे बहुत ज्यादा करना चाहिए था और मैंने जो किया है वो कलील। इमाम रजा फरमा रहे। फिर पांचवा इमाम ने फरमाया कि इंसान आकिल की पहचान यह है कि वो जिंदगी के किसी भी उम्र के हिस्से में पहुंच जाए वो इल्म हासिल करने में खिजालत नहीं, सीखने में शर्माता नहीं। फिर इमाम ने ये फरमाया कि इंसान आखिल वो है कि जो अल्लाह की मासियत में यानी गुनाह करते हुए दौलत जो मिल रही उस पर वो गुरबत के जो अल्लाह के रास्ते में है उस गुरबत को तरजीह देता है। इमाम ने फरमाया कि अगली पहचान यह है कि अल्लाह के रास्ते में अगर गुमनामी है तो उस गुमनामी को तरजीह देता है उस शोहरत पर के जो अल्लाह की मासियत। इसमें आजकल का सारा सोशल मीडिया, सारा सोशल मीडिया यहाँ पर आ गया कि अगर कुछ ऐसा करना है जिससे शोहरत तो बड़ी मिलेगी, पर अल्लाह राजी है नहीं देख लो पहले, और अगर हमने कोई ऐसी बेढंगी हरकतें नहीं की तो शोहरत तो नहीं मिलेगी, कोई पहचानेगा नहीं। इमाम ने कहा कि अल्लाह के रास्ते पर गुमनामी को वो तरजीह दे देता है अल्लाह की मासियत पर, वो अल्लाह की मासियत के जिसमें उसको शोहरत नहीं चाहिए। और फिर फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में हासिल हुई बज़ाहिर जिल्लत को वो तरजीह देता है शैतान के रास्ते पर आई हुई इज्जत के मुकाबले, यानी वाहवा तो है लेकिन है गलत रास्ता, उस पर वो बज़ाहिर जिल्लत को कबूल कर लेगा कि हाँ लोग मुझे बुरा कह लेंगे कोई बात नहीं है तो अल्लाह का रास्ता का। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान आकिल की यह पहचान है। अब आप खुद जाकर उसको चेक कर लीजिएगा टिक करके कि कौन कौन, हर एक अपने आप में बेहतर चेक करने वाला है और बेहतर खुद अपने आप के लिए मुहासिब कर सकता है, इंसान हिसाब कर सकता है, खुद चेक कर ले इंसान कि मैं किस लेवल पर हूँ। 10 में से नंबर भी दे दें आराम से, 70% आकिल हूँ या 20% हूँ, 10% हूँ, कुछ बढ़ने की जरूरत है क्या? तो ये खुद बहुत मैंने अर्ज किया कि मेरे ख्याल में एक पॉइंट रह रहा है मेरे जहन से, शायद मैंने 9 पॉइंट्स आपकी खिदमत में कहे और एक देख लूँ मैं आप में ताकि कोई रह ना जाए। हाँ, एक चीज जो रह गई थी वो ये कि ये 9 पॉइंट्स हो गए थे, एक पॉइंट ये है कि इंसान आखिल की पहचान ये है कि जब भी उससे कोई हाजत तलब की जाए तो दिल को तंग, ये इमाम रऊफ दिल को तंग ना, मुमकिन है तो वो जरूर उसकी मदद अपनी शान के मुताबिक मदद, ऐसा कम हो गया है बहुत, अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह ने आपको एक दो डॉलर की शान दी है या ज्यादा दी है?
उसके मुताबिक मदद करें जो आपको अल्लाह ने आपकी शान। जब अल्लाह से मांग रहे होते हैं तो कितना मांग, और जब अल्लाह को आगे देना चाहते हैं, अल्लाह की खिदमत अल्लाह के बंदों को देना चाहते हैं, यार अभी तो दिया था, अभी इतना तो काफी है, इतनी जरूरत, ये सारे सवाल अपने लिए क्यों नहीं आते दिमाग। मैं नहीं कह रहा कि आप इसराफ करें, मैं कह रहा हूँ कि आप गौर कीजिए कि जो अल्लाह सुभान व तआला ने आपको मकाम और शान अता किया उसके मुताबिक बात बाजें। हाँ, उसमें एक बात का ख्याल रखें, शायद मैंने अर्ज किया हो पहले या नहीं किया हो, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास एक साइल गया मांगने के लिए, इमाम ने 500 दिरहम दी, उसके बाद इमाम हुसैन के पास वही साइल, तो इमाम ने कहा कि चूंकि मेरे भाई ने 500 दिए हैं तो मुकाबला नहीं हो रहा यहाँ, तो उनकी शान चूंकि मुझसे ज्यादा अजीम है तो मैं 490 दूंगा ताकि उनका एहतराम रहे। फिर अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार के पास गया, कहा हसनैन करीमैन ने कितना दिया है, कहा उन्होंने 500 दिए हैं और इमाम हुसैन ने 490 दिए, कहा मैं 480 दूंगा ताकि उनकी अजमत बाकी रहे, उनका मकाम उससे ऊपर है, तो उसमें उस अदब का उन्होंने ख्याल रखा। बहरहाल अपनी शान के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने आपको अदा किया ना वैसे कर अल्लाह के नाम पर। तो इंसान आखिर वो है कि जब उसे हाजत मांगी जाए तो अपने दिल को तंग नहीं करता, वो दिल खुला रखता है। एक मिलकर सलवात भेजे नाम है अनाउंसमेंट तो नहीं, बस इख्तिताम करते हैं यहाँ पर, और चंद मिसरे जहन में आ रहे हैं कि तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया और 14 पिलाने वाले हैं परवाह है मुझको क्या। जिन इमाम की बात कीजिए तो उन इमाम पर ऐसा लगता है कि बस हर फजीलत यहीं से शुरू है यहीं पे खत्म। 14 पिलाने वाले हैं परवाह है, और बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता, शराबन तहूरा मिलेगी कहाँ से, बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता, बताओ काजमैन खुरासान सामरा। ये जगह है सबसे बड़े साखी का मैखाना भी बाकी है। बताओ काजमैन खुरासान सामरा, और खुर्शीद मुद्दा मेरा बुर्ज शरफ में है, एक करबला में, एक मेरा साखी नजफ। Yo Ali, Yo Ali, Yo Ali, Madad Haq। इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इसी साल नसीब हो, कब्र में शफ़ात नसीब हो।